नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की, और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखो, अपन ने सबसे पहले सीखा था आयत का क्षेत्रफल, उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल, और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक अपना चल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लास चौथी है भाई क्षेत्रफल के अंतर। ठीक है, तो देखो क्षेत्रमिति में, और ये क्षेत्रफल टॉपिक है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास आपकी है ये फोर्थ नंबर की। ठीक है, और त्रिभुजों में भी आपने एक त्रिभुज के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया था, वो कौन सा था? समभाजक त्रिभुज। समभाजक त्रिभुज के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने जान लिया। अब चलते हैं उससे भी आगे और त्रिभुजों के बारे में समझते हैं। देखिएगा भाई, पहला त्रिभुज जिसके बारे में आपने जाना, समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। क्षेत्रफल आपने √3/4a² ठीक है, परिमाप 3 × a, यानी कि 3 का गुणा कर देंगे भुजा से। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा देखो, आज अपन सीखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में सीखेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, और उसके बाद में सीखेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। इतना जानने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो समझते हैं एक-एक टॉपिक को अच्छे से। देखिएगा, आज का अपना बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो देख लो भैया, ये कोण जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए कि इसको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा तो कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। तो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है भाई। ये हो जाएगा क्या? कर्ण। देखिएगा, ये कर्ण हो गया, ये जो है आधार। अच्छा, आधार और लंब का पता कैसे करोगे? तो जो एंगल आपको दे रखा है ना, जो एंगल आपको दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, जिसके परिपेक्ष में पूछे, कि मान लो इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो इसके सामने ये है क्या? लंब। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो गया भाई। अब क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहां पे क्या है? ये जो लंब है ये। ठीक है, परिमाप की बात करूं, परिमाप तो वही होता है तीनों भुजाओं का योग, तो इसमें भी ये तीनों भुजाओं का योग। एक चीज और सीखी थी अपन ने कल के अंत्यव्रत और परिव्रत के बारे में, तो इसमें भी अंत्यव्रत और परिव्रत के बारे में जानते हैं। देखो भाई, समकोण त्रिभुज है, अब इसके अंदर यदि मैं वृत्त बनाता हूं तो यह हो जाएगा क्या? अंत्यव्रत। इसके बाहर यदि मैं वृत्त बनाऊंगा तो यह हो जाएगा भैया परिवृत्त। ठीक है, अब देखो, छोटा जो वृत्त है, अंत्यव्रत है, इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया आर,
और जो बड़ा परिवृत्त है इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया कैपिटल में आर, ये स्मॉल में माना था, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, कल जो समबाहु त्रिभुज था उसमें मैंने कहा था कि लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, अंतःकेंद्र सभी एक जगह पे होते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्लियर है ये चीज कि भाई दोनों का केंद्रक जो होता है, एक तो अंतःवृत्त का केंद्र और परिवृत्त का केंद्र एक जगह पे स्थिर नहीं होता। और समझते हैं इसके बारे में, जो स्मॉल आर है अंतःवृत्त की त्रिज्या सभी त्रिभुजों के लिए बता रहा हूं, अब सभी त्रिभुजों के लिए क्या होती है, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, ठीक है। वापस से सुन लो, सभी त्रिभुजों के लिए यदि आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो सबके लिए ही होती है क्या, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्लियर है, सभी त्रिभुजों के लिए ही यदि आपको परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, ये तीन भुजाएं हैं मैंने मान लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का गुणन और चार गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक चीज अपन को नई सीखने को मिली यहां पे कि स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। जैसे कि अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजाओं का योग, ए बी सी का योग और उसमें दो का भाग दे दिया तो हो गया ये आधा, ये हो गया भी अर्ध परिमाप। देखिएगा इसको अच्छे से एक बार और समझा देता हूं आपको भाई, देखो बात चल रही थी समकोण त्रिभुज की, इसमें अपन ने क्षेत्रफल देख लिया था एक बटा दो आधार इन टू ऊंचाई, ये क्या होता है कर्ण होता है, ये आधार ये लंब, क्लियर है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। उसके बाद में अंतःवृत्त की मैंने बात की आपसे, अंतःवृत्त की त्रिज्या सभी त्रिभुजों के लिए क्या होती है, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। यदि मैं बात करूं परिवृत्त की त्रिज्या तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी क्या भाई, तीनों भुजाओं का गुणन, मान लिया मैंने कि ये भुजा ए बी सी है तो इनका गुणनफल और भाग देंगे चार गुणा क्षेत्रफल से, ठीक है, चार गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हो गई अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, क्लियर है भाई। और ये मेरा समकोण त्रिभुज, एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर चलते हैं अगले पे। देखिए भाई एक त्रिभुज आपको दिया है, ये समकोण त्रिभुज, आपको समकोण त्रिभुज दिया है और उसने कहा है कि इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, मैंने नाम रख दिया इसका ए बी सी, ठीक है, और भुजा बी सी 10 सेंटीमीटर है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है भाई। समझिए ध्यान से, होता क्या है समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कि एक तो होता है कर्ण, और कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो कोई एंगल दिया होता है उस एंगल के सापेक्ष अपन देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। अब मेरे पास हो गया ये लंब, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है यहां पे, ये जो लंब है ये ही ऊंचाई है। अब मुझे देखो भाई आधार मालूम है
कर्ण भी मालूम है, लंब मालूम नहीं है। तो एक प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरियस प्रमेय, सॉरी पाइथागोरियस प्रमेय में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के, होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे लंब चाहिए, तो देखो लंब बराबर कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरियस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो अब मुझे दे क्या रखा है, आधार भी दे रखा है कर्ण भी दे रखा है, ये पूछा है कि लंब बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण के स्क्वायर और इसमें से माइनस कर दूंगा आधार का स्क्वायर, क्लियर है। तो केवल लंब चाहिए मेरे को, स्क्वायर हटाना है तो इधर इसका वर्गमूल ले लूंगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये तो क्लियर है ना। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो लंब बराबर आ जाएगा कर्ण कितना था 10 का स्क्वायर माइनस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर 10 का हो गया कितना 100, 8 का 64, कितना बच गया भाई 36 बच गया क्या, और 36 का वर्गमूल लिया तो 6, यानी कि मेरा ये लंब कितना है 6। अब जैसे ही आपने लंब का मान याद किया, अब आप कुछ भी बता सकते हो, क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल, परिमाप पूछेगा तो परिमाप, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो परिवृत्त की त्रिज्या, सब कुछ आप निकाल सकते हो। देखिएगा आधार कितना था 8, ऊंचाई बोले तो लंब कितनी थी 6, 2 से काट दिया 4 बार, 4 गुणा 6 किए तो 24, ये तो हो गया भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप की मैं बात करूं तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका तीनों भुजाओं का योग 8 और 6 14 और 10 24, ठीक है। चलो आगे अब देखते हैं इससे आगे, तो ये तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब अपन चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे और समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए भाई विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, ठीक है, तीनों भुजाएं समान, ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसकी मान ली वैल्यू ए है, इसकी बी है, इसकी सी है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हीरो के सूत्र से। अब हीरो का सूत्र क्या है वो देख लो, क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पे एस क्या है, ये तो ये होता है भाई एस अर्ध परिमाप, क्या होता है अर्ध परिमाप, क्लियर है। अच्छा अर्ध परिमाप बोले तो ए प्लस बी प्लस सी का बटा टू, ठीक है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा टू, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप एस बराबर, क्लियर है भाई यहां तक। अब देखो ये तो हो गया विषमबाहु, विषमबाहु की वैल्यू दे देगा वो कि एक जो भुजा है वो इतने सेंटीमीटर है, दूसरी इतने सेंटीमीटर है, तीसरी इतने सेंटीमीटर है। तो इस हीरोइन के सूत्र से, ठीक है, हीरोज के सूत्र से अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलें आगे देखिए अगला को, विषमबाहु के बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। अब इसकी दो भुजाएं समान है, मैंने दोनों का मान रख दिया कि ये भी ए है ये ए है, ठीक है, समान भुजा ए है
और असमान भुजा जो बच जाएगी वो कौन सी है, बे है। अब सबसे पहले तो इसका अपन क्षेत्रफल कैसे निकाले वो सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में सीखेंगे भाई कि अंत केंद्र परिकेंद्र तो सबके लिए फॉर्मूला वही रहेगा भाई। मान लो आपको अंतर्वृत्त का, अंतर्वृत्त की त्रिज्या मालूम करनी है तो क्या बताया था, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अब देखिए यहाँ से अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, सॉरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ये आपका है समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने यहाँ से लंब डाला भाई, तो लंब डालूंगा तो 90 डिग्री का एंगल हो गया ये, ठीक है, और ये दोनों बट गए भाई। देखो ये जो B है ये दो पार्टों में बट गया, इधर तो हो गया B बाई टू और इधर भी B बाई टू, क्लियर है ना। इस तरह का ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, और इसकी वैल्यू है B बाई टू, ठीक है, इसकी है A और ये है इसकी हाइट, ठीक है, ऊंचाई, इसको मैंने लिख दिया H। अब मुझे यही तो मालूम करनी है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब मेरे को केवल हाइट चाहिए, लंब चाहिए, तो मैंने इधर वर्गमूल लगा दिया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा दो का स्क्वायर किया तो चार, ठीक है, h बराबर निकल करके आया यहाँ से। देखो इस चार को इधर गुणा करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4, ठीक है। अब इससे आगे जब आपको हाइट मिल गई तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो भाई सभी त्रिभुजों के लिए जो वैलिड है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार कितना है, b है, ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है, इसको लिख देता हूँ मैं, तो ये ऊंचाई मैंने लिख दी भाई यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4। देखो भाई अब मैंने इसको सॉल्व किया, बी बाई टू आ गया। अब ये जो चार वर्गमूल में है बाहर निकलेगा तो दो बाहर आ गया, ठीक है, अब बच क्या गया अंदर, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का, जो आपको काम में लेना है, 2 × 2 किए तो 4 वी बाई 4, और ये वर्गमूल लेना है 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपके, ये बी बाई 4, ठीक है, और वर्गमूल 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, देख लीजिए एक बार और इसको। ये था समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से मैंने लंब डाला, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो अब ये कर्ण का काम करेगा ये, इससे मैंने इस हाइट को मालूम किया तो ये कितने निकल के आई, ये निकल के आई थी 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 और ये वर्गमूल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का, बी क्या है, असमान भुजा, ठीक है भाई। अब चले आगे देखिएगा, तो अब तक आपने सीखा था क्या, पहली बात तो समबाहु त्रिभुज के बारे में सीख चुके हैं ना, दूसरा समकोण के बारे में, तीसरा विषमबाहु,
और चौथा सीखे थे हम संधिबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो। यदि दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे, और समान भुजा को यहाँ पे क्या बोला था मैंने, ए। किस भुजा को? जो दोनों भुजाएं समान थी तो उनको ए, और जो ए समान बच जाएगी वो कौन सी थी? बी। ठीक है, समद्विबाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल करके आया था? क्षेत्रफल बराबर बी बाई फोर वर्गमूल 4a² - b² रह जाएगा भाई, याद ही है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप इतने सेंटीमीटर है, कितने? 52 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा होगी। तीन भुजाएं हैं ए बी सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक भुजा है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी। अनुपात है 1/2, 1/3, 1/4। अरे भाई मुझे ये बटा का सिस्टम हटाना है, तो इनका एलसीएम कितना होता है? 1, 2, 3, 4 का 12, 12 से गुणा कर दो इसको। तो देखो 12 को काटा ना मैंने 2 से, तो 6 बार कट गया, ये 4 बार, ये 3 बार। क्लियर है? तो 6, 4, 3 में मेरे को बांटनी है ये भुजाएं, और इनका सभी का योग कितना है? 52। ठीक है, टोटल योग है 52, इनको बांटना है 6, 4, 3 में। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 बराबर तो कितना है? 52 है। तो मेरे को सबसे छोटी भुजा का अनुपात कितना है? 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगा 52/13 × 3, 13 चौके 52, और 4 × 3 किए तो 12 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 है और उसकी भुजाएं के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप होगा, भुजाओं का अनुपात, सॉरी भाई टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है ना, वो अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वो टाइपिंग की मिस्टेक थी भाई, तो अगले पार्ट में जब भी आऊंगा तो उस क्वेश्चन को मैं लेके आ जाऊंगा वहां पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो शीर्षों के बीच की दूरी होगी। समझ लो भाई, एक खंभा है 10 मीटर का, मैं बना दिया भाई खंभा, देखो ना ध्यान से, ये खंभा है आपका 10 मीटर का। ठीक है, दूसरा खंभा है आपका 15 मीटर का, तो ये 15 मीटर का खंभा है, दस मीटर का खंभा है, ये 15 मीटर का खंभा है भाई। ठीक है, और इनकी जो बीच की दूरी है ना वो 12 मीटर है। आपसे पूछा है शीर्षों की बीच की दूरी होगी, शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो ध्यान से, यहां तक तो 10 ही होगी भाई, तो यहां तक 10 होगी, तो ऊपर कितनी है? 5 है, नीचे कितनी है? 12 है। अब मुझे ये शीर्षों के बीच की दूरी ये चाहिए। क्लियर है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज जब बनता है कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्णी तो पता करना है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, और ये सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर किया 144, 5 का स्क्वायर किया 25, दोनों को जोड़ा
169 और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। तो आपका कर्ण आ जाएगा कितना भैया? 13। क्लियर है? आ गया समझ में? चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार है भाई 5, तो मैंने ये आधार बनाया 5 मीटर, ठीक है। अब लंब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कर्ण कितना है? 13 मीटर। जब कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब निकाल लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अभी इसी तरह का क्वेश्चन किया था ना, एक 169 में से 25 गए, कितने बच गए भाई? 144। और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। क्लियर है ना ये? तो L बराबर आ गया 12। पूछा क्या है मेरे से? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। ये लो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 5, ऊंचाई लंब है जो 12, 6 बार कट गया, 6×5=30 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात मुझे दे रखा है 3:4। इसी तरह का ही अनुपात कोई उसमें दे रखा होगा, जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था ना एक क्वेश्चन, तो उसमें अनुपात वहां से गायब था, इस वजह से उसको बाद में कर लेंगे। तो 1176 क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? हमें तो बस इतना पता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब यहां पे मुझे आधार का अनुपात पता है, ठीक है, मैंने लिख दिया 3x। कंप्लीट संख्या मानूंगा तो x से वो कटा होगा, तब जाके अनुपात आ रहा है, गुणा 4x बराबर में कितना दे रखा है? 1176। देखो भाई, 4 और 3 12, 12 से इसको काट दो, मैंने इसको काटा 12 9 108, ठीक है, कितने बच गए भाई? तो 9 बच गए, 12 8 96। अब देखो भैया, ये 2 है, उधर जाएगा तो कितने हो जाएंगे? एक्स गुणा एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, और ये उधर गया तो ये हो गया 8 2 16, 9 2 18 और 1 19 196। एक्स स्क्वायर बराबर 196। ये किसी का वर्ग होता है क्या? किसका होता है? 14 का। तो एक्स बराबर तो आ गया कितना? 14। पूछा क्या था? त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भाई? तो ऊंचाई का अनुपात है 4। तो ऊंचाई बराबर 4x, तो 4 × 14 किए तो 14 × 4 किए तो 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात याद करो। आधारों का अनुपात अपन को याद करना है, जबकि ऊंचाइयों का दे रखा है और क्षेत्रफल का दे रखा है। देखो ध्यान से, होता क्या है भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? दो त्रिभुज हैं मेरे पास, त्रिभुज फर्स्ट है और ये त्रिभुज सेकंड है, ठीक है। आधार का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार A1 मान लिया मैंने, ठीक है, पहले वाले का, गुणा ऊंचाई कितनी है?
पहले वाले की 3, दूसरे वाले का आधार A2 मान लिया और हाइट का जो ऊंचाई का अनुपात है 4 है। अब क्षेत्रफल था किसका अनुपात में आ रहा है, ये 4:3 के अनुपात में। देखना ध्यान से, मैंने 1/2 को 1/2 को काट दिया, ठीक है। अब यहाँ मेरे को चाहिए A1/A2। तो देखो इधर क्या था, 4/3, और ये जो 3/4 है उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा क्या? देखो भाई, ये जो 3 है इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखो 4 × 4 किए तो 16 और 3 × 3 किए तो 9। A1/A2 यानी कि मुझे तो यही तो चाहिए था, दोनों आधारों का अनुपात A1 कितना है 16, A2 कितना है 9। तो 16:9 अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए से। क्लियर है भाई? ये 3 इधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना ये? यदि यहाँ डाउट रहा हो तो एक बार और देख लो भाई। यहाँ क्या था, 3A1/4A2। क्लियर है? और 4/3, मुझे इन दोनों को चेंज करना है। तो ये 4 नीचे था ऊपर चला गया तो 16, और 3 × 3 के तो 9, ठीक है भाई। तो 16:9 आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार है AB। ये मैंने आधार बना दिया AB, ठीक है। AB पर एक D ऐसा बिंदु है, कैसा बिंदु है, AB = 5। ये टोटल तो है कितनी, ये टोटल है 5, DB = 3। यानी कि यहां पे कोई बिंदु रहा होगा, ये बिंदु है और यहां से 3 तो इधर 2 इधर, बट गया भाई 2 पार्टों में त्रिभुज ADC। तो ये त्रिभुज था मेरा ABC। अब यहां से इसने ये बांट दिया इसको, ठीक है। त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का ABC के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। त्रिभुज ADC अनुपात त्रिभुज ABC। देखो ध्यान से समझना भाई अब इसको। ये जो त्रिभुज है ADC, कौन सा है ADC? A यहां पे है, D, तो ADC इधर वाला ये त्रिभुज, और एक कंप्लीट। तो हाइट तो दोनों में एक ही है, हाइट तो एक ही है ना, ऊंचाई जिसकी मैं बात करूं, आधार अलग अलग है, केवल और केवल हाइट एक है, आधार अलग अलग है। फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी समान है, 1/2 भी समान है। तो केवल और केवल किसका अनुपात पे फर्क पड़ेगा, आधार पे डिपेंड कर रहा है। देखिएगा इसका मैंने निकाला 1/2 ADC, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है h, ABC आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है h, कट गया भाई। तो केवल और केवल क्या अनुपात आया, 2:5, ऑप्शन हो जाएगा आपका D। बहुत आसान है, ठीक है। चलें आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल जो ये वाला त्रिभुज है ना, इससे 2 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है, और आधार 20 सेंटीमीटर है, आधार 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है कि उसकी ऊंचाई क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है दूसरे वाले त्रिभुज की। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को, त्रिभुज दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालो भाई।
एक बटा दो, आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितनी है 12, ठीक है। 2 छक्की 12, 15 छक्की 90, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपको 90 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा त्रिभुज है इसका दुगना है, यानी कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 90 × 180, ठीक है, मालूम हो गया ना। अब देखो 1/2 आधार दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर है, अपन से पूछिए ऊंचाई कितनी होगी। 2 से इसको काट दिया 10 बार, 0 से इसको काट दिया, h बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नवा। दो समरूप त्रिभुज तथा का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर हो तब ए बी की माप होगी। भाई इसमें से भी यहां से कुछ छूट गया है ना, चलो इसको भी देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, जब भी आपको ये रेशियो मिले ना, 3, 4, 5, इसका दोगुना किया 6, 8, 10, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होता है ये अनुपात पूरी तरह से ना। 3, 4, 5 आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखो ठीक है भाई, 3, 4, 5 हो गया। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो देखो भाई मध्य बिंदु इस भुजा का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, क्लियर है। अब इनको मिलाने पे जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन गया भाई, क्षेत्रफल होगा। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ना, इस तरह से समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो छोटा त्रिभुज बनता है वो बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है, ठीक है। ये अपन ज्योमेट्री में जब त्रिभुज में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जब इसकी भुजाओं की मध्य की दूरियों को मिलाएंगे तो जो त्रिभुज का निर्माण होगा, छोटा त्रिभुज, ये होगा 1/4 किसका, ये कंप्लीट वाले त्रिभुज का। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, 1/2 आधार 4 है, ऊंचाई 3 है, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे चाहिए समान दूरियों से भुजाओं की मध्य बिंदुओं से मिलाने पर जो त्रिभुज बनाया, तो नया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कंप्लीट का 1/4, बोले तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी है। क्लियर है भाई? तो अब एक चीज आपको सीखने को मिली क्या, कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है उसके भुजाओं के मध्य की दूरी को लेते हुए, भुजाओं के मध्य बिंदु को लेते हुए यदि कोई त्रिभुज बनाया जाए तो वो कुल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में AB = 4, BC = 3, AC = 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 3, 4, 5 आते ही आपको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट पहुंच जाओगे कहाँ, कि समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मेरे को तो एरिया चाहिए, तो एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, जो बच गए लंब और आधारित तो बचेंगे,
तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखिए आज अपन ने पढ़े कितने क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन तो 11 थे, लेकिन दो क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह से अपन ने 9 क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, तो इनको वापस से देख लेना, किसी भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत रहे तो मेरे को बताना भाई, कमेंट कर देना। ठीक है, तो धीरे धीरे एरिया के पार्ट को आगे बढ़ाते चलेंगे अपन। अभी तक आपने त्रिभुज देखे हैं, है ना, अभी देखो वृत्त है, चतुर्भुज है, बाकी है, उनके बारे में भी सीखेंगे और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन उनके बारे में भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए AMG के साथ।